ह्यूमन ट्रैफिकिंग द्वारा कुल 15 नाबालिग बच्चे रेस्क्यू किए गए, जिनकी उम्र 15 से 16 वर्ष की है, जो बिहार के पूर्णिया और कटिहार से तस्करी करके दिल्ली बालश्रम कराने के लिए लाए जा रहे थे, जिन्हें गीडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेनुआ टोल प्लाजा से रेस्क्यू किया गया और उन्हें ले जाने वाले 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया, जिनके विरुद्ध थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसके बाद बच्चों को चाइल्ड लाइन में रखा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम एमपी सिंह ने कहा, पगरी से पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। तो सर पहले बार ले जा रहे थे दूध का डेयरी में काम करने के लिए, तो यहाँ नाबालिग था, 14-15 साल का था, 4 था सर। जलालगढ़ से आए गोरखपुर बस से हरियाणा सर। मोहम्मद शायक आलम परसराई गांव का है सर। मामले में पकड़ के लाए हैं कि नाबालिग लड़के, लेकिन सर मेरे साथ में 6 लड़के थे, उसमें से 4 बालिग हैं सर। 2 लड़के नाबालिग थे, तो मैं ये भी मान रहा हूँ उसका उम्र कम था, 15-16 साल, हाँ लगभग 15-16 साल के होंगे। तो उनका आधार कार्ड भी नहीं था, मैं देखा भी नहीं, तो यहाँ पे आके उतार लिए। 3 यहाँ पे पूरा बोल रहे हैं सारे के सारे नाबालिग हैं सर, उसमें से 4 मेरे साथ बालिग थे और सारे मेरे ही मोहल्ले के हैं जहाँ पे मेरा घर है। हम सर जा रहे थे कस्बा से जयपुर, बस थी दिल्ली तक ही थी, दिल्ली से फिर दूसरी बस पकड़ के हम जयपुर जाते। अपराधियों के बारे में, ये अपराधी हैं, इनका यही पेशा है इस तरीके से गरीब बच्चों के लिए लोग बहला के फुसला के अच्छा काम दिलाने के लालच में ले जाते हैं और वहाँ जाके जिससे पता करके लाते हैं वो ना के वंचित रह जाते हैं और जनसंख्या में बढ़ जाते हैं, ये बच्चों के काम को मिलने हैं, इसलिए सभी सुसंगत प्रावधानों के तहत जो है। देखिए, सूचना प्राप्त हुई कि बिहार से कोई बस चली है और उस बस में नाबालिग बच्चे हैं। इस सूचना के आधार पे मैंने ESTU प्रभारी अजीत प्रताप सिंह को उनकी टीम के साथ और अपने क्राइम ब्रांच से भी कुछ बच्चे हमने साथ में दिए, तो इन लोगों ने वहाँ जाके बस के इंतज़ार में तेनुआ टोल प्लाजा पे बस के लिए पकड़ा, बस का जो नंबर था बस को पकड़ा, तो बस में जो है 15 नाबालिग बच्चे निकले और उन बच्चों के केयर टेकर के रूप में 3 लोग पकड़े गए हैं जो कि बिहार के ही रहने वाले हैं। उनमें एक मिस्टर सैयाद आलम हैं, एक विक्रम मंडल हैं, एक दीपक ऋषि हैं। ये 3 लोग पकड़े गए हैं, इनके परिजन से ये बच्चे मिले, इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि बच्चों के लिए काम कराने के लिए जो हम दिल्ली ले जा रहे थे। इस सूचना पर, इस जानकारी पर इनके खिलाफ थाना ESTU में मुकदमा पंजीकृत किया गया है बाल श्रम अधिनियम के तहत, IPC की धारा 375 के तहत और 79JJ Act के तहत ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है और ये अभियुक्त गिरफ्तार कर इनको जेल भेजा जा रहा है। देखिए, अभियुक्त चूंकि पूर्णिया बिहार के रहने वाले हैं और कटिहार के रहने वाले हैं तो दूर है वो, तो वहाँ से इनके और आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है और पूछताछ पे जानकारी ये मिली कि ये लोग दिल्ली में जाके लोगों के लिए बच्चे बाल श्रम के रूप में देते हैं और उनसे इन लोगों के लिए कमीशन मिलता है। प्राथमिक जांच में यही जानकारी आई है, बाकी और विस्तृत पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद जानकारी हो पाएगी। बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए, बच्चों के लिए CWC के सपोर्ट किया गया है, चाइल्ड लाइन और CWC के सपोर्ट किया गया है, जो कि इनके सर्वोत्तम हित के लिए इनके वेलफेयर का पूरा ध्यान रखेंगे।